नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास मेहला और इस समय मौजूद है करनाल के नेशनल हाईवे 44 पर। और आप देख सकते हैं कि जो भारी संख्या में जो पुलिस बल और किसान जो आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज किसानों को जो भारी सुरक्षा बल के साथ यहां से टोल प्लाजा से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसे उठवा दिया गया था और जो लंगर की व्यवस्था थी उसे भी उठवा दिया गया था, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में जो किसान करनाल के घरोंडा की अनाज मंडी में इकट्ठा हुए। और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि एक सामने नेशनल हाईवे पर एक तरफ किसान है, काफ़ी संख्या में जो किसान नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो भारी संख्या में जो सुरक्षा बल पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, तो कहीं ना कहीं करनाल में किसान और पुलिस आमने सामने होते नज़र जरूर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो सुरक्षा बल यहाँ पर लगाया गया और उसके बाद नेशनल हाईवे पर किस तरह से जो किसान काफ़ी संख्या में जो नेशनल हाईवे पर घरोंडा की अनाज मंडी में इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं और जो लंगर लगाने की जो बात की जा रही है और जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर लगाने की बात की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ भारी संख्या में जो पुलिस बल तैनात किया गया है, जो अतिरिक्त सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात किया गया और जो किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध करते हुए नज़र आ रहे। और आज भारी संख्या में जो किसान नेशनल हाईवे पर इकट्ठा होकर पहुँच चुके और बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो लंगर और जो व्यवस्था लगाने की बात की जा रही है और जो धरना प्रदर्शन जो पुलिस बल के द्वारा यहाँ से सुबह हटा दिया गया था, भारी संख्या में आप देखते हैं कि काफ़ी संख्या में जो किसान इकट्ठा होकर यहाँ पर दोबारा से पहुँचे हैं। और हालांकि हाईवे से वाहनों को जाने दिया जा रहा है और जो किसानों का कहना है कि वो टोल प्लाजा की तरफ कूच करेंगे और उनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ पर लंगर व्यवस्था लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो किसान यहाँ पर नेशनल हाईवे पर मौजूद और टोल प्लाजा बस्ताड़ा पर पहुँच चुके हैं। और जो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, भारी संख्या में जो पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया, भारी संख्या में जो टोल प्लाजा पर पुलिस बल तैनात किया गया, कहीं ना कहीं पुलिस और किसान आमने सामने होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ जवान, कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती हुई नज़र जरूर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में सुरक्षा बल यहां पर तैनात किया गया, पुलिस बल यहां पर तैनात है। और दूसरी तरफ आप देखना चाहेंगे कि किसान ही किसान यहां पर आपको नज़र आएंगे और उनका कहना है कि वो वहां पर लंगर व्यवस्था लगाएंगे। और किसानों को, हालांकि किसानों के द्वारा ही ये बैरिकेडिंग करके रोका गया, किसानों द्वारा ही उन्हें समझाया जा रहा है, फिलहाल उन्हें यहां पर दूर रोका गया। और हज़ारों की संख्या में किसान भी यहां पर पहुँच चुके और हज़ारों की संख्या में जवान भी जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं। हाईवे पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो काफ़ी संख्या में किसान, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी किसान ही किसान आपको नज़र आएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो सुरक्षा बल भी यहाँ पर लगाया गया और काफ़ी संख्या में जो सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात है। कहीं ना कहीं सुबह की अगर बात की जाए तो यहाँ से जो जिला प्रशासन के द्वारा टोल प्लाजा से जो टोल प्लाजा से फिलहाल सुबह यहाँ से लंगर की व्यवस्था हटा दी गई थी और जिसके बाद धरना प्रदर्शन भी बंद कर दिया गया था। वहीं कहीं ना कहीं आज जो किसान इकट्ठा होकर करनाल की जो घरोंडा है वहाँ के अनाज मंडी में इकट्ठा होकर वहाँ पर पहुँचे थे और अधिकारी और करनाल के डीएसपी मौके पर पहुँच रहे हैं, बातचीत करने का प्रयास लगातार जारी है किसान नेताओं से। आप देख सकते हैं कि करनाल के डीएसपी राजीव कुमार और जो अधिकारी करनाल के जो उच्च अधिकारी यहाँ पर मौके पर हैं, वो बातचीत करने के लिए किसानों की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं और किसानों से बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो स्थिति तनावपूर्ण होती हुई नज़र आ रही है, एक तरफ जवान एक तरफ किसान। जो करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से अब लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, करनाल के डीएसपी राजीव कुमार किसानों से बातचीत करने यहां पर पहुंचे हैं। पांच मेंबरी कमेटी आ जो, हां जी डी साहब ने थोड़ी इथे गल करा देने हैं। सामने तो बात नहीं होने की, पांच सात आदमी अपनी एक बार सलाह कर लो, हम इधर वेट कर रहे हैं। हां जी पांच सात आदमी एक चीज है, बुजुर्ग इनको बैठने दो एक बार, मैं बता रहा हूं जी। आप बात तो कर लो, जो सर कहेंगे आपका जो डिसीजन होगा, हम तो ये नहीं कह रहे कि आपने उनकी बात मान लेनी है। पांच मेंबरी कमेटी की बात सुन लो, मेरी सुनो बात, मैं भी समझ रहा हूँ डीएसपी उनके डीसी साहब के पास जाना जरूरी है। सर जीवन जी में लेट कर रहे हो पर पब्लिक बात नहीं, मेरी बात समझ गया। अब आपकी पब्लिक खालसा जी ये काम मुक्तन चल रहा ना, फिर एक मिनट रुको जी, मेरी बात सुनो। ये जो लाइने है ना हमारी टोल वाली, इससे इधर हम इनको बैठाते हैं। मेरी बेनती सुनो, बैठा दें जी पांच बंदे, उसके बाद हम पांच बंदे इनको बैठा के जाएंगे। बैठ जाएंगे आराम से, आप चला है हम देखो, हम गए थे पांच मिनट वोल्टा लिए, जब आपसे जो वादा कर रहे हैं ना, नहीं पांच मिनट वोल्टा लिया ना मैं, हाँ अब हम बात कर रहे हैं और उस चीज का हम समाधान तो निकालने के लिए कर, हाँ, हाँ, कर रहे हैं। हमने टाइम निकाला ना, नहीं, नहीं, हम समाधान निकाल रहे हैं और समाधान के लिए ना, आप एक उस मीटिंग के लिए गल कर लिए पांच मिनट, नहीं पांच मिनट आगे खड़े हो, शरारती आदमी आगे खड़े कर
आप देख सकते हैं जो जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा, करनाल पुलिस से डीएसपी राजीव कुमार यहां पर पहुंचे और जो पांच किसानों की जो कमेटी जो बातचीत करेगी, जो करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार से बातचीत करने पहुंचे, लेकिन बात की जाए तो हजारों की संख्या में जो किसान यहां पर पहुंचे हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान है और जो किसान है उनको रोकने का भी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, किसान उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं शांति का परिचय जरूर दिया जाए। पांच लोगों की कमेटी जो किसानों की तरफ से बातचीत करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ गई है और कहीं ना कहीं जो किसान और जो जवान सामने सामने होते हुए करनाल में तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे से आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो जवान है वो भी एकत्रित हुए हैं और जो किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो पांच किसान जो उपायुक्त निशांत कुमार अधिकारियों से मिलने के लिए आगे बातचीत करने के लिए उनको बुलाया गया है, उन्हें समझाया गया कि कुछ कांग्रेसी नेता भी हमारे साथ त्रिलोचन सिंह, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या कहेंगे, आज सुबह धरना उठवा दिया गया था, लंगर की व्यवस्था बंद करवा दी गई थी, कैसे देखते हैं आप? देखिए बार बार करनाल के प्रशासन द्वारा किसानों की और लंगर की तोहिन की जा रही है, जिसको लेकर इस हल्के के किसानों में भारी रोष है। लंगर जो 36 बरादरी के लिए चलाया जा रहा था उसको रोकना इनको नहीं चाहिए था और ना कि किसानों का धरना जब सारी जगह चल रहा है, प्रशासन क्यों एक व्यक्ति विशेष के कहे पर बार बार टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि उसका टोल प्लाजा में इंटरेस्ट है। इसलिए अपील करते हैं प्रशासन से कि किसी बातों में ना आकर भाईचारे को स्थापित करने के लिए किसानों पर और लंगर पर रोक ना लगाएं। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान और जवान आमने सामने होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आप करनाल के बस्ताड़ा के टोल प्लाजा से देख रहे हैं, नेशनल हाईवे 44 से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हम आपको बताएंगे कि सुबह किस तरह जो जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया था, जो अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया था उसके द्वारा जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, लंगर व्यवस्था चल रही थी उसे यहाँ से हटाया गया था। हालांकि जिला प्रशासन खुद कन्फ्यूज था कि कुछ अधिकारी उनको ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आपकी लंगर व्यवस्था आप बस्ताड़ा टोल प्लाजा से हटाकर आगे कहीं भी नेशनल हाईवे पर कर लीजिए, लेकिन वहीं करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ये कहते हुए नजर आए थे कि नेशनल हाईवे पर लंगर नहीं लगाने दिया जाएगा। कहीं ना कहीं गुमराह की स्थिति भी जरूर थी, देखने को मिल रही थी। इसी को लेकर किसानों में भी काफी रोष है और आज करनाल के जो गरोंडा की अनाज मंडी में किसान हजारों की संख्या में एकत्रित हुए और वहां से टोल प्लाजा की तरफ कूच की और यहां पर जो पहले से अतिरिक्त सुरक्षा बल यहां पर तैनात किया गया था वहां से करनाल के डीएसपी राजीव कुमार आते हैं और उच्च अधिकारी आते हैं, किसानों के एक जो नेता है उनसे बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। उनसे 11 सदस्यों की कमेटी मांगी गई है ताकि करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार से बात की जा सके, उन्हें धरना स्थल के लिए कोई जगह मिल सके। लेकिन किसान एक बात पर अड़े हुए हैं कि उनका जो लंगर व्यवस्था 36 बिरादरी के लिए लगाई गई थी उसे यहाँ पर ही लगाया जाएगा, क्योंकि लंगर व्यवस्था में सभी लोग आते हैं, जो किसान दिल्ली से पंजाब की तरफ, पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करे हैं उनके लिए लंगर लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं जो किसानों में इस बात को लेकर गुस्सा जरूर है और जिला प्रशासन खुद कंफ्यूज है कि उन्हें क्या आदेश देने हैं, क्योंकि उपायुक्त का आदेश आता है कि आपको नेशनल हाईवे पर लंगर नहीं लगाने दिया जाएगा, लेकिन जब लंगर हटवाने की बात की गई थी जो कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, पुलिस के कर्मचारी पहुंचे थे, उनके द्वारा उन्हें कहा गया कि जो लंगर व्यवस्था आप हाईवे पर आगे लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तनाव की स्थिति है, कुछ गांव के लोगों को आपसे आपत्ति है, ये आश्वासन देकर यहाँ से लंगर उठाया गया। जब हमने करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेशनल हाईवे पर लंगर की व्यवस्था नहीं लगाने दी जाएगी, जिसके बाद किसानों में काफ़ी रोष हुआ और किसान करनाल के गरोंडा की अनाज मंडी में एकत्रित हुए और वहाँ से करनाल के टोल प्लाजा की तरफ कूच किए। और आप देख सकते हैं कि इस समय हजारों की संख्या में जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं और उनका एक ही बात को लेकर निशाना है कि वो यहाँ पर लंगर की व्यवस्था लगाएंगे और इसी को लेकर यहाँ पर किसान पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो काफ़ी संख्या में जो अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पर लगाया गया और आगे की तस्वीरों के लिए भी आप जुड़े रहे पंजाब केसरी टीवी से और हम आपको पल पल की करनाल नेशनल हाईवे पर जुड़ी किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट देने का प्रयास करेंगे। करनाल से विकास मेला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।